वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन गपशप। सो आज मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू करूंगी जो हमने लास्ट वीडियो में लिखा, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड की समरी। ये एक ऐसी बुक है जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए, इसीलिए मैंने इसके ऊपर 3 पार्ट्स में वीडियोज़ बनाने का सोचा। तो आइए देखते हैं कि आज सेकेंड पार्ट में क्या ऑथर क्या कहते हैं। बुक रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो ना कि सिर्फ आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को बढ़ाती है कि आपको सही डायरेक्शन भी देती है। आप अगर आप बुक्स पढ़ के नॉलेज गेन करते हैं और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने गोल्स अचीव करते हैं, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अपने आप को, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल गोल्स को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, तो ये बेस्ट चीज़ है जो कि आप अपने लिए करेंगे। क्योंकि आजकल के इस पूरे हैबिट में हम जो मेन गोल है जिसके लिए हम आए हैं उसको भूल कर हम एंटैंगल हो जाते हैं बाकी की चीज़ों में। ये बुक खुर्शीद भावनगरी जी ने लिखी है। उन्होंने अपने बेटे विस्पी और राटू के डेथ के बाद उनसे कम्युनिकेट करके ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू इस किताब को लिखा, और वो चाहते थे कि हमारी मदर इस स्पिरिचुअल मिशन पे जाएं और लोगों को अवेयर करें कि रियलिटी क्या है। तो इसीलिए ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पर अपने आप को प्योरीफाई करने आते हैं। क्या हम कर रहे हैं, क्या हम अपनी सोल को प्योरीफाई कर रहे हैं, ये आपको अपने आप से पूछना है, क्योंकि इसका आंसर भी आपके अंदर ही है। बुक कई कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है, जैसे कि अर्थ एक स्कूल है, यंग लोगों की डेथ क्यों हो जाती है, ऐसे कई क्वेश्चंस के आंसर्स ये बुक देती है। तो इस सीरीज में हम ये सब कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। वो बताते हैं कि अर्थ एक स्कूल है जहाँ पे हम एक ट्रेनिंग के लिए आए हैं। डेफिनेटली हम अपनी सोल को प्योरीफाई करने आए हैं। आप कोई भी एक्शन करते हैं, आप किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, आप सक्सेस अचीव करते हैं, आप फेलियर देखते हैं, आप खुशी देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा सैडनेस देखते हैं, आप ग्रीफ देखते हैं, सॉरो देखते हैं, जब भी ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो अपने आप को हमेशा ये रिमाइंड कराएं कि हमारा यहाँ पे आने का क्या गोल है। हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यहाँ पर आते हैं। जब हम ये अपने दिमाग में रखेंगे कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, तो हम चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखेंगे, जो कि मोटिव है हमारा इस बुक को पढ़ने का। ये बुक आपको ये क्लैरिटी देती है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका रीज़न है। ऑथर बताती हैं कि क्राइम और सिन में क्या फ़र्क है। क्राइम वो है कि जैसे हमने कोई मैन मेड लॉ को तोड़ा, हमें उसका पनिशमेंट मिलेगा, हमने गलत किया, जो कि मिलना भी चाहिए। सिन वो है जो हम सोचते हैं कि हमने सबसे छुपा लिया, जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है अंदर से किसी के लिए बहुत नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आते, बट हम ऐसा शो करते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम उनके बहुत शुभचिंतक हैं, ऐसा नॉर्मली देखा जाता है। तो उसकी वजह से ये वो सिन है जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में, जो कि हमने पहले भी बात की थी कि एक रिकॉर्ड रखा जाता है आपकी हर एक्टिविटी का, आपके हर थॉट का। हम सब जानते हैं कि एक दिन में अराउंड हमें 70,000 थॉट्स आते हैं। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये एक फैक्ट है कि 70,000 थॉट्स हमें एक दिन में आते हैं, लेकिन हमें कई तरह के थॉट्स आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, फियरफुल, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन हम जिन थॉट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, हम जिन पे काम करते हैं, जिनको फील करके करते हैं, वो ही एक्चुअल में हमें अपना रिजल्ट देते हैं। तो आप कभी भी घबराए नहीं अगर आपको कोई थॉट आते हैं जो कि नेगेटिव आ रहे हैं बार बार, और आप ये ना सोचें, गिल्टी में ना जाएं कि हमें ये थॉट्स आ रहे हैं, हम कितने बुरे इंसान हैं, हम उसके बारे में ऐसा सोच रहे थे। ऐसा नहीं होता, जब तक आप उसको फील करके वो एक्शन नहीं करेंगे गलत, तब तक आपको गिल्टी में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको हर तरह के थॉट्स आएंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप वही थॉट्स पे काम करेंगे जो कि सही है, आप वही करेंगे जो सही है। तो अपने मन में आने वाले थॉट्स से घबराएं नहीं, उनको मैनेज करना सीखें। ये जो आकाशिक रिकॉर्ड है, इसमें सब कुछ रजिस्टर होता है, जो भी सिंस हम करते हैं, जो कि हम दूसरों से छुपा लेते हैं, बहुत सारे मैनिपुलेशंस हम करते हैं, बहुत सारा ग्रीड हमें है, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होकर हमें इसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। एक चीज़ है कि कई बार ऐसा पूछते हैं कि यंग सोल्स क्यों चले जाते हैं इस दुनिया से, इसके पीछे कारण क्या है। बेसिकली ऑथर बताती हैं कि वहाँ पर 7 रियल्म्स हैं, और जब भी कोई सोल अपना रियल्म छोड़ के यहाँ पर आती है प्रोग्रेस करने के लिए, तो अगर वो सोल अच्छे रियल्म से आई है और वो यहाँ पे अर्थ पे जो ईविल सोल्स हैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है, उसे लगता है कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, तो वो सोल्स, उस सब आपका सब कॉन्शियस माइंड इस डिसीजन को लेता है और आप इस जगह को छोड़ देते हैं। यही रीज़न है, क्योंकि वो यहाँ पर प्रोग्रेस के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के ईविल सोल्स और ईविल सिस्टम से वो
को एडजस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो फॉल नहीं करना चाहते अपनी प्रोग्रेस में। हम सब रिलीजन्स को समझते हैं, हमारे सारे रिलीजन्स हमें अच्छी नॉलेज ही देते हैं। इसी तरह ये बुक भी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे गॉड के लॉज क्लियर होंगे कि क्या लॉज हैं, क्या हमें कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहिए। ऑथर सिल्वर कॉर्ड की बात करती हैं, वो बताते हैं कि एक सिल्वर कॉर्ड होता है जिसके थ्रू हम अपने डिपार्टेड सोल से कनेक्ट करते हैं, और जब हम डीप स्लीप में होते हैं उस टाइम पे हम उनसे कनेक्ट करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं जिससे कि हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो हम हमेशा गाइडेड। टाइम के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पे प्रोग्रेस करने आए हैं और अर्थ पे हम जल्दी प्रोग्रेस कर लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं। हमारे यहाँ पे आने का रीज़न यही है कि यहाँ पर हमारी प्रोग्रेस जल्दी होती है अगर हम सही रास्ते पर हैं तो। हमारी प्रोग्रेस एज कम्पेयर टू अदर रियल्स, हमारी यहाँ पे प्रोग्रेस बहुत जल्दी होती है, इसलिए हम यहाँ पर आने का रिस्क बार बार लेते हैं। और हमेशा ये ना सोचें कि हम हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहें। जो लोग लोअर रियल्स से आए हैं उनको गाइड करना भी हमारा फ़र्ज़ है। हम हमेशा ये ना सोचें कि हमारे आसपास हमेशा अच्छे अच्छे लोग रहें जो हमारे बारे में अच्छा बोलें, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं होता, आपको हमेशा ऐसे लोगों के साथ भी रखा जाएगा जो आपको आपके टेस्ट में हेल्प करेंगे, जो आपको पेशेंस सिखाएंगे, जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको उन लोगों से डील करना है जिनको आप पसंद नहीं करते। तो ये सब आपकी टीचिंग के लिए होता है। फिर बताती हैं कि एक एजड इंसान होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, और वो जब उनकी सोल डिपार्ट होती है तो वहाँ जाके वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को कि मेरी डेथ हो गई है। वो बार बार कहते हैं कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरा एड्रेस कहाँ है, मुझे जाना है। तो ये जो विस्पी और राटू हैं ये उनकी मदद करते हैं और उनको बताते हैं कि अब आप यहाँ पर आ गए हैं, ये आपका घर है। और वो ये बताते हैं कि आप एजड इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर विजडम के अकॉर्डिंग एज होती है। आपका जितना विजडम है, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ओपन है तो आप और यंग होते जाएंगे, और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड डॉर्मेंट है, अगर वो बंद है, तो आप बहुत एजड दिखेंगे। ये है, ये वहाँ के एज का रूल है। तो ये सब चीज़ें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम एक्चुअल में यहाँ पर किस चीज़ के लिए आते हैं और हम किन चीज़ों में स्टक हो जाते हैं। कई बार हम सबके साथ ही होता है, हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमें हमेशा गॉड से कनेक्टेड रहना चाहिए। हमें सही और गलत को जज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। हमें अपने अंदर बदला लेना, रिवेंज, अपना दूसरों को नीचा दिखाना, मैनिपुलेशंस करना, ये इन सब से बचना चाहिए क्योंकि आप इससे फॉल करते हैं और आप बार बार यहाँ पे आने का रिस्क लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इससे डील करना चाहते हैं। ये बुक कई तरह से एक आई ओपनर है, और डेफिनेटली मैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में कुछ चीज़ें और चीज़ें जो मुझे बहुत सीख जिनसे मैंने बहुत सीखा वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ से लोगों ने भेजे हैं और उन्होंने उनका ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आंसर दिया है, जो कि कई मायनों में आपकी कई चीज़ों के आंसर्स देगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।